राजधानी रायपुर में पीसीसी चीफ दीपक बैज का सरगुजा के सीतापुर में घटी घटना को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। दरअसल उन्होंने अपने बयान में कहा कि प्रदेश में फिर से हमारे आदिवासी भाई की हत्या हुआ है। एक राजमिस्त्री पर चोरी के आरोप में एफआईआर होता है, फिर उनकी हत्या कर ठेकेदार के द्वारा लगातार गुमराह किया जाता है, जिससे आदिवासी समाज में आक्रोश है। इसके तहत ही उन्होंने इस घटना को लेकर भाजपा सरकार से मृतक के परिजनों को 2 करोड़ के मुआवजे की मांग की है। इसी क्रम में महंगाई को लेकर पीसीसी चीफ ने कहा कि सरकार सीमेंट ही नहीं बल्कि रेत, लोहा, गिट्टी जैसी चीजों पर रेट में वृद्धि कर रही है, जो कि चिंताजनक स्थिति है। इसीलिए एफआईआर दर्ज करने के लिए इस सरकार में संघर्ष करना पड़ता है। मैंने तो पूछा कि प्रदेश अध्यक्ष और पूरे पार्टी के लोग आए, हम लोग के कहना, हम लोग से आपको निवेदन करने के बाद 5 घंटे, 24 घंटे लग गए हमारे बैठने के बाद, 5 घंटे बाद एफआईआर होता है, तो आम जनता को कितने घंटे एफआईआर होने में लगेगा, उनमें क्या संदेश जाएगा, मैंने तो पूछा उनसे। वो बेबसी मैंने देखा है। लेकिन हाँ, पुलिस प्रशासन कमजोर नहीं है क्या? हमारी सरकार में ही पुलिस प्रशासन नहीं थी क्या? हमारी सरकार में भी अगर हमारे सरकार के कार्यकर्ता अगर कोई गलत किया है, कानून तोड़ा है, उनके ऊपर कार्रवाई हुई है, एफआईआर हुआ है।